नमस्कार और गुड लाइफ जी अपने सबके। हम कार्यक्रम संचालक डॉक्टर अमित साहनी आई अपने सबके हर एक शनि के कार्यक्रम चैत साल में स्वागत करना चाहे छी। आई हमारा सबके साथ में सतीन हमर सबके मेंटर हमर सबके गुरु सुशील चौधरी सर लाइफ स्टडीज लाइफ कोच फ्रॉम डैलस टेक्सास। दूसरा संगी छथिन कमलकांत चौधरी जी। हम सब ई कार्यक्रम लगभग एक साल पहले से शुरू करने छे और निरंतर कार्यक्रम चला रहल छे। हमर सबके मुख्य कार्यक्रम संचालक कमल किशोर चौधरी जी आई कुछ कारणवश हमर सबके मास नहीं छथिन, कोनो काम में छथिन बाहर, ओय लेल ई कार्यक्रम में शामिल नहीं होथिन। और आई विशेष करके हम साक्षी में कहब तो शायद पहला व दूसरा एपिसोड हम मुख्य संचालनकर्ता के हिसाब से तेसर कार्यक्रम कर रहा छी, अपने सबके स्वागत कर रहा छी। और दूसरा साथी भी जुड़ गेल दिनेश चौधरी जी सप्तरी से। और तेसर कार्यक्रम साक्षी में कहब तो ये थारू भाषा में कार्यक्रम शुरू भेल या तो अमे हमर कनिक भाषा में कनिक कुछो ऊपर नीच भय सके है तो ओकरा लेल हम शुरू में क्षमा प्रार्थी छी, कैलाकि ओते स्पष्ट रूप से थारू भाषा हम नहीं बाजि सके छी। फिर अपन मैथिली अपन भोजपुरी भाषा जे आवे या वही अनुसार से कार्यक्रम संचालन कर रहल छी। और आई बहुत दिन बाद परब सब के कोरोना दोसरो लहर कोरोना कहल गेले, दसैं तिहार एले, छठ एले, उ सब के समाप्ति के बाद आई हम बहुत दिन बाद लाइव गेलू। लाइव अपन फेसबुक पेज मार्फत लाइव गेलू और हम ओय में एकेटा बात कहलू आ कि केना के स्वस्थ रहल जा सके है। आजकल मानिस आदमी एते दुख में छे कि एकटा खोखियो लगे छे तो हॉस्पिटल दौड़ जाए छे, बुखारो लगे छे तो हॉस्पिटल दौड़ जाए छे, और जितने पैसा होबो करे छे नहीं होबो करे छे वो खर्चा करके चलावे छे। तो अपने आप से घरे में बैठ के केना स्वस्थ रहल जेते, केना घर में रहल किचन में रहल जड़ी बूटी के प्रयोग करके बुखार सर्दी खांसी ये सब रोग से निवारण मिल सके, सिया सब के ऊपर रह के हम सब आए बात करम। सुशील सर के अपने सबके स्वागत कर दे के लिए हम सुशील सर के अनुरोध करूं कि आई के कार्यक्रम में संपूर्ण जे कोई भी फेसबुक लाइव मार्फत हमरा सबके देख रहा छे, जूम ऑनलाइन मार्फत हमरा सबके साथ में छे, संपूर्ण के स्वागत कर दे के लिए सुशील सर के अनुरोध कर ला चाहूं। सुशील सर धन्यवाद डॉक्टर अमित और जतेक साथी सब जोड़ने छे, कमलकांत जी से देखे छे, दिनेश जी से और जतेक अहां सब हमरा के देख रहा छे। जना डॉक्टर साहब बतेबे के लग जो एक साल पहले जब हमरा सब शुरू के लिए कार्यक्रम तो शुरू कथी के लिए ये चीज आई के बताना बहुत जरूरी है शुरू एले के लिए, क्या कि संसार में देखियो जे आदमी और जे चीज अपन महत्व स्थापित नहीं कर सकल के ना वो आदमी और वो चीज की तो बिला गेले की तो बिलायल जा रहल छे। देखियो ध्यान दियो, अगर अहां अपन महत्व स्थापित नहीं करे छी और दोसर के महत्वपूर्ण बुझे छी तो यहां बिला गेल छी या तो बिला जेबे, ये दुएटा चीज छे। और एकर एकेटा कारण की छे तो आपन के बजे भूके में मुंह दुबर छी, हमन के थोर भाषा में थारू में कहि छे मुंह दुबरा के बहुत सब के भोजाए, ओकरा कोई भोजी कह दे छी, नहीं भोजी रहे ना, क्या कि भोजी के हंसी ठठा ख्याल कर पावे छे, ओकरा हंसी चमस कर पावे छे, तो मुंह दुबड़ा जकर मुंह कनिक नहीं छे जे कनिक डराबे छे लोग से ओकर बहु सब के भोजे। तो अपनोर के जे जे संपत्ति छे अपनोर के जे सामर्थ्य छे तकरा लोग सब केना दोहन कर रहल छे, केना नीचा भेल जाय छे, ई थोड़े टाके लागी लागू नहीं छे, ये हमरे टा लागी लागू नहीं छे, विश्व में सब कोई के जे कमजोर छे
जे नीचा माथे जा रहल छे तकर उत्थान केना हेते, ओकर इम्पावरमेंट, ओकर सशक्तिकरण केना हेते, एहि खातिर ई कार्यक्रम अवधारणा में एलै और एकरा हम लोग के अहाँ सबके अगाड़ी लाभ दी। और एकर दुइटा आप लोग के मुख्य मुद्दा के पकड़ लिए, साइड साइड में कहियो कहाँ कुछ कुछ पकड़ा जाए छे, लेकिन मुख्य मुद्दा की आप लोग के हेल्दी केना रह, ओहो में प्राचीन ढंग से जे ढंग से आप लोग के बाबा दादा सब रही छे और तकर साथ साथ पढ़ाई लिखाई जे जतेक आकाश में पुगल जाय छे, कतेक मेहनत करै छिए, कमाए कमाए लाबै छिए, सब बच्चे के पढ़ाई में भर दै छिए, कोन चीज एहन करबै जे बच्चा पैसा नहीं तिर के भी पढ़े। कोई कोई बच्चा एहनो छे जे कि पैसे नहीं तिरै छे, उल्टे ओकरा पैसा भेटै छे, कोनो स्कूल में पढ़े जाय छे तो ओकरा स्टाइपेंड कहै छे, कोनो कॉलेज में जाय छे, कोनो यूनिवर्सिटी में जाय छे तो ओकरा उल्टे पैसा दै छे। तो अगर हम अपन बच्चा के कनियटा में खौसे निक से अगर ओकरा तैयारी कर देवे तो वो तो अपने सब चीज लाके ऊपर माथे पढ़ लेते, तो बच्चा के केहन बनाएबे, समाज के केहन बनाएबे, अपना केहन बनाएबे, अपन परिवार के केहन बनाएबे, ये सब अपनोर के अपने हाथ में छे। और सबसे बढ़ के तो दिमाग छे कि दिमाग में अहा की सोचे छे, अहा अपन गमछा के अपन बिस्टी के दोसर के कोट से सूट से कमजोर बुझे छे तो वहां के कमजोरी है, सब दिन कमजोरे रहत। अपन दाल भात तरकारी के बर्गर पिज्जा से कमजोर बुझे छे तो अहां एक बोरा चोर बेचू है जाके एक छाक बर्गर खाया बु पिज्जा खाया बु करबे की करबे। तो ये चेतना छे कि नहीं छे अपनों के में, आ नहीं छे तो चेतना ये ते केना के, एकरे खातिर हम लोग के ये चेतसार कार्यक्रम के आयोजना के लू देखियो। और ऐ में कोनो गुरु पढ़ाई ले नहीं थे, अहि सब ये भाई अगल बगल के लोग ये भाई, जना कोई एहन आदमी छे जकड़ा कुछो भए गेल, कटा गेल कतो, घा भए गेल, तो केना के अहाँ के लिए ठीक भए गेलै, तो दोसरों के वो बात मालूम हेतै ओहो करते, ककरो जर जारी लग गेल, कोनो समस्या भए गेल, शरीर संबंधी स्वास्थ्य बिगड़ गेल, तो कौन चीज अहाँ के लिए तो अहाँ के निक भए गेल। और एक गोरे के नहीं, बहुत बार ये चीज भले, बहुत बार लोग ओहने कलक पटक पटक ठीक भले, तो एकरा एकटा सोशल प्रूफ मान लिया। आप लोग की कहे छे एकरा कोनो लैब में परीक्षण नहीं कलके, एकरा कोनो डॉक्टरी एकर शोध पत्र नहीं छे, तो दुआरे एकरा नहीं मानबे। अहाँ के तर्जू में राख के तोलते अहाँ 50 किलो छे तबे टा अहाँ 50 किलो हेबे, कि नहीं तोलते तबो अहाँ 50 किलो छे, अगर अहाँ के वेट 50 किलो छे तो अखनी आप लोग के स्वस्थ रहे के लागी सर्टिफिकेट ले ले पड़े छे, डॉक्टर के कहे पड़े छे, डॉक्टर नाप दल के, जांच दल के, चेक कर दल के सब चीज, तब आपन के हेल्दी बुझे छे, नहीं तो बुझे छे नहीं हम बीमार छी, हम खत्म छी, हम खत्म भए जाए। ई मनस्थिति से बाहर केना निकलबे, समाज के केना स्वस्थ बनाएबे, केना सुशिक्षित बनाएबे, कौन चीज कराएबे समाज के बच्चा सबसे जे कायल उ थॉमस अल्वा एडिसन के रास्ता पर चले, एलन मस्क के रास्ता पर चले। थॉमस अल्वा एडिसन हम अहिले कहै छी किया कि उ भव की इतिहास छले, और एलन मस्क अहिले कहै छी कि उ वर्तमान से, इतिहास से वर्तमान तक अगर अहाँ देखबे तो एकेटा चीज छे स्व अध्ययन, जे खुद से अध्ययन करै छे और खुद से प्रयास करे छे वह लोग स्वस्थ रहे छे। आपन पढ़ाई दोसर के जिम्मा लगा देवे, आपन स्वास्थ्य दोसर के जिम्मा लगा देवे तो वो अहाँ के कस्टमर बनात, अहाँ से खेलत, अहाँ के जीवन सत्यानाश बना दे। ई बात के प्रमाण अहाँ अगल बगल देख लेने छे, हमर परिवार में भेल छे, हम जाने छे निक जखा, ते दुआरे ए बात के हम आइ उजागर कर रहल छे अहाँ सबके आगा में। और नया उपाय कौन छे तकर खोजी करू, नहीं तो अहां सबके अस्तित्व रहत कि नहीं रहत।
प्रमाण सबसे बढ़ के है। अगर कोनो आदमी आय खोप ला ले छे, अगर कोनो आदमी आय दवाई खा ले छे, तो उ दवाई खेलहा आदमी, उ खोप लेलहा आदमी जे दोसर आदमी छे जे कि दवाई नहीं खेलके, खोप नहीं लेलके, वैसे बढ़िया जिले, बेसी जिले। अगर बढ़िया जिले, बेसी जिले, ओकर से निक जिले, तब कहू तो हमहू खोप ला लेबे, हमहू दवाई खा लेबे। लेकिन हम दूटा जेनरेशन के बहुत क्लोज से देख ली, तीनटा जेनरेशन, हम चौथा छी, हमर बच्चा पांचम से, अब छठम जेनरेशन ही अते। हम हमर दादी के देख लिए, बुढ़िया दादी के, तो हमर बाबा के देख लिए, तो बाबू के देख लिए, बाबू मैया के, तो हम अपना देख रहल छी चौथा जेनरेशन। पांचम जेनरेशन हमर बेटा छे, बेटा 23-24 बरिस के भ गेले, अब ओकर बच्चा हेतै, ओकरा देखबे हम। तो छ जेनरेशन जे देख लिए हम, तो छ जेनरेशन से कुछ सीख लिए। देखियो कतेक आदमी है छे ओकर आगे में सब चीज हेत रहे छे, उ एहन बुद्धू है छे कुछ मतलब नहीं रहे छे ओकरा, बुद्धियार बने पड़ते आप लोग के, बुद्धू बन के काम नहीं छे। देख पड़ते, सीख पड़ते जे कौन चीज भेले तहिया से। हमर दादी विराम नहीं पड़े छले, कहियो ने कहियो हमरा जर लाग गेलो, तकर बाद दोसर जेनरेशन एले, कनिए दवाई दारू चल लगले, मैया सबके जेनरेशन, ओहो में बहुत कम बीमार पड़े छले। जब हमरो के जेनरेशन एले, तो हमरो के तान धुन बीमार पड़े लगली। तो एकर रीजन पता लगा के जब कोशिश के लिए, तो में की छे, तो आप लोग के जब कुछ है छे, तो शरीर एक टा रिएक्शन करे छे, शरीर के रिएक्शन के आप लोग के दवाई से ठीक कर चाहे छे, ओय में बात और बिगड़े छे। तो कौन चीज करबे, केना के आप लोग के आगा माते बढ़बे, जे स्वास्थ्य बढ़िया रहते, शरीर बढ़िया रहते, और पढ़ाई में बच्चा सब अव्वल एते, और कैर खिना संसार के वो सब लीड करते। जना कि थॉमस अल्वा एडिसन 1093 टा आविष्कार करके कर दिलके, चार क्लास से ऊपर ओकरा पढ़ेल नहीं दिलके, स्कूल निकाल दिलके, कहलके तू घुसखोर छ, तू नहीं पढ़वा। तहिने एलान मस्क के बात करबे, तो ओकरा स्कूल में साथिये न रहे, पिटे सबटा, लहू लहान बना दे, खिहाड़े, कोई साथिये न रहे, तो बिचारा किताब के साथी बना लेलके। जब किताब ओकर साथी भए गेले, तो देखियो पेपाल निकाल देलके, वैसे पहले कंप्यूटर से पैसा तिरबे, ककरो से पेमेंट लेबे, एक ठाम से दोसर ठाम पेमेंट लेबे, से ककरो दिमाग में ये लेने रहे, करबे न करे निक्स। लेकिन ओकरा क्रांति बना देलके, अखनी कुन 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 बिटकॉइन ई सब की कहा नया करेंसी ई सब के बात भए रहल छे। रॉकेट साइंस कहियो नहीं पढ़ल के, लेकिन रॉकेट साइंटिस्ट भए गेले, अपने से पढ़ पढ़ के, पढ़ पढ़ के, पढ़ पढ़ के, पढ़ पढ़ के, संभव छे। जब कोई वे में लग जाए छे, भिड़ जाए छे विश्वास के साथ, बड़का बड़का वैज्ञानिक सब पिछले नई प्लेन जखा तो लोग हवा में उड़बे न करते, चिड़े जखा उड़ना असंभव छे। वही टाइम में मैकेनिक आदमी जे कि पढ़ल लिखल खास कुछ नहीं रही, साइकिल दुकान में साइकिल चलावे छले, साइकिल के मरम्मत करे छले, राइट ब्रदर्स जकड़ा कि प्लेन के आविष्कारक आप लोग कहे छे, उ आदमी प्लेन बना देलके। देखिए अगर हमरे अही जखा ओकरो आत्मविश्वास नहीं रहती, अपन चीज जे कि साइकिल के ओकरा सीप रहे, ओकरा वो वैल्यू नहीं करती, कहती हमरा त प्लेनक साइंटिस्ट पढ़े पड़ते, प्लेनक साइंटिस्ट जाते के हम नहीं पढ़बे, ताते प्लेन हम केना बनाएबे। तो आई आप लोग के प्लेन चढ़ के एक देश से दूसर देश जातो रहती कि नहीं रहती, कहिया निकलती है, नहीं निकलती है। तो ककरो ने ककरो आगा बढ़े पड़े छे, अपन में विश्वास करे पड़े छे, और अपन मार्केटिंग कर पड़े छे। कहे छे ना, बोलने को पीठो बिकस, न बोलने को चामल पनी बिक देना। टूथपेस्ट किन के लावे छे दांत चमकाए ले, लेकिन अपने अगल बगल के जे जड़ी बूटी छे, हर्बल सब छे ने, अहां के तकरा अहां बिसरा गेल छे। केहन आराम के घर रहे छाला अहां सब के, माइट के नेजार में ठंडा है,
ने गरम में गरम है वेदर प्रूफ घर सब रहे चले तराई दिशा तकड़ा सबके हटा दिलिए किया कि यहां देख लिए टीवी में बड़का बड़का एकदम से टीन के जस्ता ओकर प्रचार देख लिए एकदम से रंग एते से झलके से दूरे से ओकर विज्ञापन में ओकर चकाचौंध में चले लिए सब खर के घर के सत्यानाश कर दिलिए अग्नि जार में थुर थुर कांपत रही छे गर्मी में सेकत रही छे विज्ञापन में फंसे छे अपन विज्ञापन नहीं कर सके छे दूसर के विज्ञापन में फंसे छे और जतहे कमाईने रही छे ने सब डंडी में छर में सीमेंटी में गिट्टी में द के बुझे छे नहीं हम बहुत काबिल छे अपन जतेक नीक अन्याय सबके बेच लावे छे अवस्था से चौ चौ किन के लावे छे पैकेट में रोटी किन के लावे छे पैकेट में अपन आम जाए छे अड़िए ढड़िए बेच लावे छे सियाओ किन के लावे छे 300 टके किलो 400 टके किलो बेचे हम तो बड़ी काबिल छे तो के काबिल छे के मूर्ख छे हम नहीं बताए छे अपने के मूल्यांकन करू जे हम कतेक काबिल छे हम कतेक मूर्ख छे जे हमरा एक गोरे कहे छे जे नहीं तू पक्की घर में सुत तो तोरा मजा लाग तू कतेक मजा लागल है पक्की घर में सुते छे तो जब ऊपर में जहां छत दे दे छे और वो छत जे हिले लागे छे ना जब जे भूकंप होय छे तो भाग तो परले होय छे कतेक गोरे के छत खिसक मर जाय छे लेकिन ईटा पाथर नहीं छे जे घर में खड़ा के घर छे वो घर में कतेक लोग के देखे छे चपाक मरे छे कथी के लागी दिमाग में भर पड़े आप लोग के जान पड़े सीख पड़े विज्ञापन देखा देखा के देखा देखा के आप लोग के जीवन में एतेक पैसा कमाई ले लगभग छे एतेक पैसा जे आदमी 5 घंटा काम करके अगर अहाँ के जीवन चलिए वो आदमी 15 घंटा 18 घंटा 20 घंटा काम करे लागे छे पैसा कमा कमा के जमा कर करके कर करके ओकरा दे दे छे अपना राखती अपना प्रयोग करती तो कोनो बात नहीं ओकरा दे दे छे तो अहाँ के सीमेंटी दिए अहाँ के छड़ दिए अहाँ के रोड दिए अहाँ के बच्चा के टाई लगा के पढ़वे छे तो टाई के भी पैसा लागे छे सूट बूट लगा के स्कूल पढ़वे छे तो ओकर भी पैसा लागे छे मोटरसाइकिल किनी छे गाड़ी किनी छे ओकर भी पैसा लागे छे काम करे छे ककर लागी ओकर लागी जेठा महा पैदल जा सके छलिए अहाँ के टांग मजबूत है तेसना आप लोग के देखे छे टीन के भीतर में बैठल रहे छे बक्सा भीतर में कहे छे हम गाड़ी में चढ़ा रहे छे वो चीज सबके जरूरी छे लेकिन कतेक तक कौन अवस्था में ओकर लागी जड़ छे कि नहीं छे जड़ केना के बनाएबे जातक जड़ नहीं रहते ने तातक हवा में उड़ने से कुछ होने ही छे पहले जड़ केना बनाएबे वही विषय में आप लोग बात करा पड़ते तो आय के और साथी सबसे उनको सबसे सुनो अमित जी बहुत बढ़िया कार्यक्रम वहां संचालन कर रहा छे हम लोग के थारू भाषा के ई कार्यक्रम में ई नहीं चाहे छे जे शुद्ध थारू हेबक चाहिए क्याकि देखे छे पूर्व से मेची से पश्चिम महाकाली तक थारू सब 4-5 रंग के भाषा बाजे छे वास्तव में हम लोग के जे थारू भाषा छे मैथिली से भोजपुरी से प्रभावित से बहुत प्रभावित से हम लोग के सबटा शब्द सब हेर फेर ओहर दोहर आदान प्रदान भ जेकि बढ़िया बात छे आप लोग के देखियो ई समाज जे छे ने एमे अपने अस्तित्व के लागी अगर जे लोग खोजे त ओह में थारू वही टाइम में कथी रहे लोग सब के कते के माल में छे जना हम एक बता दे छी थारू वास्तव में कम्युनिटी रहे कौन कम्युनिटी रहे बुद्ध के एहन समूह रहे जे समूह ध्यान करे ध्यान टा करे प्रवचन सुने लेकिन और बाकी चीज सब नहीं छोड़े परिवार नहीं छोड़े मांस मोस इधर उधर भी ओकरो के चलबे अपन जीवन में तो वो लोग सब छुट्टे ग्रुप भाग ले आधा नियम मानबो आधा नियम नहीं मानबो जना बुद्ध के रास्ता में अगर चलबे तब कतेक चीज के वैल्यू नहीं छे जना के जी यहाँ माछा मासु किया खे नहीं खाओ मर जते लेकिन एकरे बहुत ठाम में खा रहल छे तू आधा आधा तू आधा माने वाला कहियो ना आधा बुद्ध मार्ग में चले वाला आधा अपन गृहस्थ मार्ग में चले वाला पूरे यहाँ बुद्ध मार्ग में चलबे तब वहां गृहस्थ नहीं रहबे 100% अगर अहाँ बुद्ध मार्ग में चलबे तब अहाँ गृहस्थ रहबे नहीं करे गृहस्थ के 100% चले नहीं सके छे ओकरा परिवार छे ओकरा बच्चा भी जन्मावे पड़ते बुद्ध कहे छे दूर रह
परिवार से 100% लागू करते। तो यही समाज के आप लोग के थारू समाज कहल गेले, लेकिन एकरा बाद में आबके जात बना दल के कल के तुर के जात से ही आप जे कहे छे से आप निकल के कोरोना छो तो कोरोना मानी छे ना आप लोग के, है ना। भले ही कोरोना नहीं छे देखै छिए, जे नहीं माने छे तगड़ा नहीं लागे छे। 50% लोग अमेरिका में कल के खबरदारी कोरोना के नाम में हमरा सुइया दे लेबी तो तोरा बनुक से उड़ा दो, तो ओकर लग जेबो ने कल के सरकार और आइबो ने सकै छे, क्याकि प्रजातंत्र छै देश में। हमरो के आइते के नहीं लेने छी खोप, हमरो के जबरदस्ती नहीं कर सकै छै। हमर बेटी बिना मास्क के जाय छै स्कूल, ओकरा बिना मास्क के भी अंदर जाय के लागी छूट छै, क्याकि जकरा जे मन लागै छौ कर रे भाई, तोरा अपना विश्वास हो मान ले। तो की करै छै इसना लोग सब बुझै छै जे अहाँ के कोन चीज हम कहबै तऽ अहाँ ओहि चीज के माने लागबै, भले ही हमर बात अहाँ के सुनै ले घिना लागैए, लेकिन अहाँ सही दिना सुनबै ना हमर बात के, तो कोनो न कोनो दिना विचार करबै रे ई आदमी की कहि रहल छै, रे सही बात सही छै कि गलत छियै, अहाँ सुनै ले बाध्य हेबै। और आदमी के दिमाग केहन छै, जब अहाँ हमर बात सुनै लागबै तब अहाँ हमर बात मानऽ लागबै, पतियाय ले लागबै, भले ही झूठ या सच। हम ई नहीं कहै छी जे हम एकदम जतेक बात ऐसा कहने छी सब साँचे साँच छी, एमे झूठो भी आबि सकै छै, क्याकि झूठ साँच कुछ नहीं छी, जे अहाँ मानै छी और जे अहाँ एक्सपीरियंस करै छी वह छी। कतेक गोरे एकटा चीज के मानै छै ओकर लागी वह साँच छी, कतेक गोरे दोसर चीज के मानै छै ओकर लागी वह साँच छी। ते दुआरे हिंदू धर्म भी साँच छी, बुद्ध धर्म भी साँच छी, क्रिश्चियन धर्म भी साँच छी, जैन धर्म भी अहाँ के साँच छी, इस्लाम धर्म भी साँच छी। कभी उन्हें हमर साँच छी ओकर झूठ छी, ई मान्यता छी भाई। एहे मान्यता के चलते आप लोग के एकटा चीज करै छी, दोसर धर्म वाला सब दोसर चीज करै छी। और अहाँ ककरो कहबै जे नहीं हमर महतारि बड़ निक, तोहर महतारि बड़ खराब, तो ये बात के कोई नहीं सह सकै छी। ते दुआरे ई भाषा संबंधी बात में अब थारू के जहाँ तक बात अयलै, बहुत गोरे अहाँ के मिथिला में रहे वाला सब वो सब थारू सब छी, लेकिन जब जे जात बना ललकै ने, एकरा जात बना दलकै तो जात से निकल गेलै गुरु के समाज में, तो रहे थारू समाज में रहे लेकिन जात से निकल गेलै। ई जात वास्तव में नहीं छी और एकरा नहीं बनेबक चाही। ते दुआरे एकर कोनो दायरा नहीं छै, एकर लिमिटेशन नहीं छै, एकटा विचार छी, एकटा धारणा छी, जे ध्यान करू, लोक के माया करू, प्रेम करू, झूठ नहीं बाजू, अपन ईमानदारी और सत्यता के कायम राखू। ते दुआरे थारू सबके जमीन अहाँ के बिक्री वितरण होइ छै तो सीडीओ ऑफिस में गिनी गिनाओ होइ छलै, अखनी तो आब नहीं छै हमरा मालूम, रूल छेबे करे कि अहाँ सीडीओ के आगा में जातक पैसा नहीं गिन के देबै तातक वो सब थारू के जगह पास नहीं करे छलै नेपाल में। अहाँ के नियमे राख दलकै, कथी ले नियम राख दलकै, क्याकि ये सबके जे दै छै भाई दै छै हटा छोड़, और एकर बेफायदा की भेलै तो लोग सब ठगे लागलै, लोग पैसा नहीं है दे पास करा ले जगह। और ई कहबै समाज के लोक रहे, एकटा थारू समाज बौद्ध के जे एकटा नीति छै ओकर जे रास्ता छै ओकरा पकड़ के आगा बढ़े वाला, लेकिन 100% नहीं, मछा मौस खेबो, परिवार नहीं छोड़बो, बाकी तीनटा चीज अपने दूटा चीज में ई जीव हत्या और ई जे परिवार संगे रहे वाला परिवार संगे जीवन काटे वाला से दूटा चीज नहीं छोड़बो। तो एकरा अहाँ के थेरवादी कहलकै, थारू कहलकै। तो ते दुआरे एमे आप लोग के विशेष चर्चा और दिन भी करने छी और करैत रहबे चाहे छी, और साथी सब के रिएक्शन लियो, और अपना सब के जे उद्देश्य के साथ अपनी एल छी इसना, जना कि अपना सब के WLS छै, वेलनेस एंड लाइफ स्किल्स, ते मार्फत चाहे छी अवेयरनेस सब के जा सब कोई जाने, और जे जाने छै वो हम लोग के सिखाबे, और जे नहीं जाने छै वो हम लोग के बात सुने सीखे। सब कोई के फेरो भी बहुत बहुत स्वागत अछि हम लोग के कार्यक्रम में, सुनू, विचार करू, अगर कोनो प्रतिक्रिया छै तो फेसबुक में दियो। धन्यवाद सर सुशील सर के, आज के कार्यक्रम में दिनेश सर, अमरकांत सर भी उपस्थित छथिन। तो हम सब जे उद्देश्य से ये कार्यक्रम एक साल पहले शुरू करने छले, हमरा सब के जहां तक लगे है कि ई अपन उद्देश्य तरफ बढ़ रहा है। हम सब एक साल पहले सोचने नहीं छले कि हम सब ई मुकाम तक पहुंच जबे, आज छले
लेकिन सोचने नहीं छे, लेकिन आई जोन हिसाब से अपन समुदाय के लोग और समुदाय के लोग सब समुदाय के लोग जो हिसाब से रेस्पॉन्स द रहा है कार्यक्रम के, हम सब एकदम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। और हम सब जे कुछ भी इस समाज में परिवर्तन लावे ला चाहे चले स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, वही रास्ता में हम सब आगे बढ़े, WLS रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड दर्ता कर ले और वही मार्फत हम सब विद्यार्थी सबके ऑनलाइन शिक्षा भी दे रहा छे सुबह शाम, सुबह में 6:30 से 8 बजे तक, साँझ में 5:30 से 7 बजे तक। ये ऑनलाइन शिक्षा में सोमवार से शुक्रवार तक हर एक विभिन्न विषय स्वास्थ्य, अंग्रेजी, साइंस, मैथ ये सब विषय में क्लास दिया जाए छे। तो ओनाहिते शनिचर के सुशील सर द्वारा इंग्लिश में पब्लिक स्पीकिंग विद्यार्थी सबके सिखाया जाए छे और संडे के शनिवार के सुबह 8 बजे से 9 बजे तक और शनिवार के रविवार के 8 बजे से 9 बजे तक संवी द्वारा इंग्लिश सिखाया जाए छे पब्लिक स्पीकिंग। तो यह सब कार्यक्रम लेके हम सब ऑनलाइन जूम ऑनलाइन मार्फत WLS टीम सदैव तत्पर छे और आगे बढ़ रहा छे। साथे साथे विभिन्न साथी सब कार्यक्रम प्रस्तुता बन के जना दिनेश सर शनिचर के बिहान में 9 बजे से 10 बजे तक किसान, दिनेश सर और लाल बाबू सर सुबह 9 बजे से 10 बजे तक किसानक आवाज कार्यक्रम चलावे छथिन, ओनाहिते शनिवार के साँझ में 7 बजे से 8 बजे तक नवल किशोर चौधरी सर और हम लगाए दुनू आदमी से सर कार्यक्रम संचालन करे छे। ओनाहिते बुधवार के सुबह में शिक्षा तथा सिप नेपाली में कार्यक्रम लाइव कार्यक्रम चले छे, तो सोमवार के साँझ में फोकड़ा कार्यक्रम थारू भाषा में संचालन होइ छे और एनाहिते बृहस्पतिवार के साँझ में रात में 9 बजे से 10 बजे तक अपदीप कार्यक्रम लाइव चल जाए छे। और यह सब कार्यक्रम लेके हम सब समाज में एकटा आमूल परिवर्तन लावे ला चाहे छी कि स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में और अपन संस्कृति भाषा सबके जगेना केना करल जाए, उ हिसाब से हम सब आगे बढ़ रहा छे। साथ साथ देख रहा छी दिनेश सर भी छथिन, कमलकांत सर भी छथिन, तो कमलकांत सर के हम ई कार्यक्रम में स्वागत करला चाहलू और अपन परिचय दे ई कार्यक्रम कहिया से केना सुन रहा छी और ई कार्यक्रम के बारे में केना की फीडबैक या से प्रस्तुत कर दे के लेल हम अनुरोध करे ला चाहे छी। कमलकांत सर सर अहाँ म्यूट छी, अनम्यूट करल जाए। हार्दिक नमन और गौर लागे छी। हमार परिचय भेल कमलकांत चौधरी, कृष्णा शरण गांव पालिका वार्ड नंबर 2, हाल अखन हम सऊदी अरब में काम कर रहल छी और ये हम जे छे चार कार्यक्रम में लगे है छे चार जीवन के आधार के मतलब है हमरा ये लगे है। एक मिनट फेसबुक लाइव चला रहे हैं तो ये साथी चले थे द्वारे और चेष्टा जीवन के आधार में जीवन में छे सब कुछ में धैर्य धारण और सफल जीवन के रखबा के चाहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम के खास उद्देश्य हमरा यह लगल कि तो मतलब जे चेष्टा कार्यक्रम चाहिए जे आदमी सबके जे जिंदगी के ना से सफल और धैर्य साथ ऊपर में जते के सत्य परम सबके कर्तव्य छे। तो हमरा यह लगल कि हमारे विचार से कि कोनो भी काम करे से पहले कोई भी काम करे से अगाड़ी अगर बढ़ावे के लिए की सोचबाक चाहिए, हम वो काम केना के छे अगर भविष्य में केना के फल प्रभाव रहते और अगर जो डिसीजन की निकलते चाहे सही या गलत सब किसी के सोच विचार के अगर अगर अगाड़ी बढ़ेबे तो पक्के छे जो वो काम आगे सफल हेते। अगर कोनो भी काम करे से पहले सोचना है सब कोई के अपने आप में सोचना और अपने आप में विश्वास करना परम जरूरी है। और विचार से यह लगे जैसे कि हम सब कोनो भी काम भी करे छे ना
जना कि एक साइकिल के उदाहरण ले छी जे हमर गाम से हमर की छे अभी तक हर जगह जे तब तब अहाँके रोडे रोड भए गेलै। पहले जब हमसब साइकिल चलाबैत रहियै तऽ साइकिल चलाबै जब आड़मे चलाबै साइकिल तऽ की खसबै केना खसबै केना से सब कहिए आ खसिए पड़ी। अगर एक मिनट खसबै तऽ खसबै एक मिनट खसबै तऽ सही आ जेबै सही तऽ कोनो भी काम करै से पहले हिम्मत राखू तो कोनो भी काम अगर पक्का छै जे अगाड़ी बढ़बै कहि कऽ सएह कहि कऽ हमर जे और कोनो भी काम करे से अगाड़ी एक बार काम के सोचबाक चाहिए जे हाँ वास्तविक काम के फल की हेबाक चाहिए। अगर काम के डिसीजन अगर सही निकल जेतै तो सही से हम सफल पाबे करबै और वो सोच के जे हाँ काम सही नहीं छै तो काम के तरफ ध्यान नहीं देते से हमारे तरफ सही रहबाक जेना कहै छै अवेयरनेस या ककरो से कोनो भी काम करे से पहले कम से कम डराबाक चाहिए ने कुछ भी कर अपन पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कोनो भी काम कर जेना हम ऐसा कोनो भी काम करे छै ना तो पहले बहुत डराबै छलियै कि हाँ यानी कार्य केना हेतै रे की हेतै नहि हेतै सफल हेबे कि नहि लेकिन अखन कोनो भी हम जे काम करै छियै ने तऽ हमरा ओकरा डर नहि और पक्का छै सफल पाबै छी। तऽ एहना एहना काम छै जे कोनो भी काम करै छै जेना कि कोरोना के बात छै अहाँके 2 साल जखन कोरोना मे तऽ कतेक जी भेलै ने सबके सब डर छल कोई हरदी पानि पिए कोई की पिए कोई के पिए जेना हमरो अखन अथी मे छियै जेना कि हमरो अखन मैंने खाना वाला गाड़ी चला रहा यथमी छे तो ओहिमे आदमी सबके लाद के जाइए अभी कते कोरोना वाला एलै कते गेलै हमरा ओकरा डर नहि भेलै ओकरा डर नहि आइ तक ओकरा गोटी तक नहि खेलै छी। तऽ अगर कोनो भी बात मे डराबै तऽ अहाँके डर पसबे टा करत अगर नहि डराबै तऽ अहाँके साथ कोनो डर नहि हैत कहिके ई कार्यक्रम जे एहन नीक लागल छै ने ई कार्यक्रम हमरा हमर विचार से उद्देश्य इएह छै जे कोइ भी आदमी डराउ नहि कोनो भी काम आदमी कॉन्फिडेंस के साथ करू और अगाडि बढ़ू बस हमर तरफ से इएह 2 शब्द नमस्कार धन्यवाद कमलकांत जी एकदमै नीक विचार साँच्चै में कहै छी आत्मविश्वास आत्मबल सबसे बड़का चीज है संसार में। अगर राइट ब्रदर्स के अपने आप पर आत्मबल आत्मविश्वास नहीं रहते तो आज सब कोई प्लेन में नहीं चढ़ते रह। एलन मस्क के अगर अपने आप पर विश्वास नहीं रहते रह तो वो आज रॉकेट मार्स पर मंगल ग्रह पर भेजला नहीं सकते रह। अगर कोई सोचते कि हम बिना पढ़ले बिना कोनो स्कूल गेला अगर हम कुछ कर नहीं सके छी तो वो एकदम गलत बात है। अगर अहाँ के अपने आप पर विश्वास या अगर अहाँ अपन आप मेहनत कर सके छी तो अहाँ कुछ भी कर सके छी संसार में अमूल परिवर्तन ला सके छी। जेनाते जेनाते अहाँ कहले कि आइ हम कोरोना काल में भी नहीं डरेलिए और हमरा कुछ नहीं भेले वो एकदम बढ़िया बात है। और साथ साथ अहाँ अगर अपन शरीर के इम्यूनिटी के आत्मबल के साथ साथ इम्यूनिटी के भी बढ़ावे के लिए रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति के बढ़ावे के लिए भी अगर अहाँ काम करबे ओहमें बढ़िया रहत जना बेसार पानी गर्म पानी के साथ में बेसार मिसा के खायल जाए पी और साथ साथ ही आम के पत्ता के चाय पियल जाए और नहीं मिल रहा है तो आम के पाउडर किन के ला के चाय पियल जाए और काढ़ा से पियल जाए जना मिले है। अगर ये सब खेबे पीबे तो अहाँ के स्वस्थ रह के लिए कोई रोग कोई छेक बार नहीं रहत अहाँ के कहियो हॉस्पिटल जाए रहे नहीं पड़त। तो यह छे कि अहाँ अपने आप पर आत्मविश्वास रखू और हर दिन हरेक समय जना अहाँ कोनो फील्ड के छोड़े छे तो दोसर कोनो फील्ड के अपनाबे भी पड़े। मैं हमरा टैबलेट नहीं खाए के है तो हमरा की करे पड़ते कि अपन शरीर के अपन आत्मबल के अपन इम्यूनिटी सिस्टम के केना के एहन बलियो बनाबिए एहन जकड़ के रखिए ताकि कोनो भी वायरस अगर हमरा अटैक कर ले के हमरा भीतर में गेल तो कोनो खराब असर नहीं करे वो अपने आप जाए और शरीर के बैक्टीरिया वायरस मार दे और नष्ट कर दे। तो यह बात सबके आगे बढ़ा चाहलू और दिनेश सर भी कार्यक्रम में उपस्थित छथिन तो दिनेश सर के भी एकदम धीरे धीरे स्वागत है और हुनका से हम एगो बात पूछे ला चाहलू कि हमरा सबके कार्यक्रम में WLST में ये बहुत पहले से आबद्ध छथिन और हुनका हम अपन कोनो एहन एक्सपीरियंस शेयर करे के लिए अनुरोध करे ला चाहलू और अपन परिचय देला भी अनुरोध करे चाहलू कि ई फेसबुक लाइव मार्फत जे कोई भी कार्यक्रम देख रहा छे उनका सबके कनी मोटिवेशन मिले कि हम सब भी अगर ई करबे तो हमरा सबके भी कोनो रोग नहीं लागते हम सब भी बलियो रहबे और स्ट्रांग रहबे वह कनी एक्सपीरियंस शेयर करे के लिए अनुरोध करे ला चाहलू। दिनेश सर धन्यवाद डॉक्टर अमित सर
बहुत निक बात सब भ रहल छै सहित सार कार्यक्रम जे कि औसका देखियौ 58 पो गेलियै वास्तव में जे कि कोनो चीज करै छियै तबे अगाड़ी बढ़बै किएक तऽ नहि करबै आइ हमरा सबके ई चीज शुरुआत नहि करने रहतियै सहित सार अहाँ के एहन चीज छै जे कि पहिलका बुढ़वा सब पढ़ै छलै अहाँ के लिखे छलो में लेकिन अखनका युवा पीढ़ी में चटसार के चौकसार अहाँ के विलीन भले ते द्वारे चटसार अखनका धामी गुनी के बेसी चटसार देखे छे दसवीं में देखे छे कि चल रहा हाथ थाबे उ चटसार नहीं ऐ में एहन प्लेटफॉर्म छे अहाँ के जे अमित सर बतेलक सुशील सर बतेलक देखियो ऐ में हर चीज अहाँ के पाप पावे छे एक टा हम गुरुवार के पूछलिए हम अपना से बुजुर्ग से चटसार ककरा कहे छे बाबा दाजू ककरा कहे छे कहे छे पहले हमरा सब के परापौराणिक काल में अहाँ के पढ़े छलिए जे अपना सब अखन का कहे छे ट्यूशन पाठशाला स्कूल अहाँ के ओ चीज चटसार विश्वास भेले वास्तव में नहीं चटसार ई चीज छलै कहि के अखन भी हमर बाबू जिंदे छे 81-82 वर्ष जा रहल छे तैयो अखन का बुझियो अहाँ के रोग पूरा अहाँ के निरोग कहले पड़ल आब कनी बूढ़ भेला कारण से वो अर्थराइटिस जरा बातरस कहे धीरे धीरे वो सब हड्डी सड़ी खियाए छे पूछे लेकिन कभी रोग वो सब देखियो मलेरिया के पचल के जब अहाँ के मोरंग खटे छे तहिया तो अहाँ के मोरंग के काठमांडू के नेपाल समझे तहिया के विदेश नहीं कहे हमरा सबके कदवा पति कहे करे छलिए आ जर बुखार आबे छलिए जरा मलेरिया कहे छे तो वो अहाँ के कदवा में आधा घंटा सुत जाए आ जर भागे फिर अहाँ के हर जोत लगे देखियो त अखन का कोरोना वायरस के बहुत चलती ऐसे पहले 2 साल के बात करियो तो जबकि हम अहाँ के घर में सबटा अपन अपन मास्क सैनिटाइजर छिटू ई करू ऊ करू एक ड्राइवर छे नगर गाँव पालिका के कहो हमारा तब सैनिटाइजर छिटे छिटे तब हम ही पागल भ जेबे वे में एतेक हमरा डर देखियो तो उस बड़का अहाँ के डर छे जब डर के हटेने जब डर से जीत लेलिए तो अहाँ के जिंदगी में सक्सेसफुल भए गेलै जहाँ के सबके कमलकांत जी कहलक कॉन्फिडेंस कोनो भी चीज में कॉन्फिडेंस हेबक चाहिए अल्लाहक चाहिए वो चीज जहाँ नहीं हेतै तो हम अहाँ कुछ जिंदगी में नहीं कर सकबै यदि हम अहाँ के चेतसार के बाद भी हमरा प्रेरित भेल अहाँ के दाजू से कहलक ना अहाँ किसान के आवाज चलाबू कहके पहले पहले भी डर है जना अहाँ साइकिल के बात कर लू आयर में हमू खसल छी सर आयर में पहला कजरा चलबै छी कहके लेकिन खसबे की करबै तो वास्तव में जखन अहाँ के माइंड के कहबे ना चीज करबे तो भए जाए छे अखन देखियो टोले प्रोच के बात करै छे फिर कोरोने के विषय आबै छे आब एक चोटी तो लगल के सुइया आब कसरे दोसर चोटी आबत बे के सोचै छे दोसर कहिया हेतै दोसर चोटी कहिया हेतै ओत बे के सोचै छे खाली वही से नहीं छे दुई चोटी हम पुगल हमरा सब के अस्पताल भलाई अहाँ के दुई चोटी के हमरो के दू गोरा के लगबे न करले जे दोसर तेसर छलै ओहो सही ठीक छै अखन तक दवाई खेलिए गोटी खेलिए आई अहाँ के 2 साल से सर्दी खांसी हो जब ए चेतसार प्रोग्राम में हमारा सबके लिए कार्यक्रम शुरू कर लिए वेन अहाँ के ज्ञान पावली से वास्तव में नहीं गोटियों दवाई खा के भी ठीक है सर्दी खांसी जर बुखार आई कहबे रियल बात जना अखन डॉक्टर अमित सर कल की कोनो एहन घटना डॉक्टर अमित सर डॉक्टरों छी अहाँ के एक अपना सबके बच्चा सबके बुखार आबे छे जर जकरा कहे छे तुरंत अहाँ के पैरासिटामोल दे दी करले तो अपना सबके डर छे नहीं जेते दौर बढ़ जेते जर लेकिन वह देखियो डॉक्टर साहब के हम पूछलिए तो कहे नरियर के पानी पियाबू अखन तो अहाँ के कदी कहे पैरासिटामोल के वो बिल्कुल सील बंदे छे अहाँ के तो विश्वास अहाँ के ओहिमें के लिए वास्तव में नहीं होइ छे अखन फिर हमरा सबके सब सर्दी खांसी तो अखन जे की कहे क्लाइमेट चेंज होइ छे वातावरण चेंज होइ छे ओहि अनुसार अहाँ के आबै छे साधारण साधारण आबिते रहै छू बैक्टीरिया सब अहाँ के होते रहै छे जेकि वायरस के बात करै छे तऽ विश्वरूप राय चौधरी कहै छै अहाँ के सदियों से अहाँ के कई लाख अहाँ के बैक्टीरिया के हम अहाँ के बीच में छी अपना के इम्यूनिटी पावर बढ़ाए पड़लै जेकि जकरा छै तकरा नहीं लगै छै आ जे डर से मरि रहल छै थर थर कांपै छै खत्म भए जाइ छै तो ई सब छै सर तो देखियो कोनो भी चीज काम करे के हताश नहीं खाए पड़े धीरे 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 चलू चिमटी के पहुंच के अहाँ के
गिराई में चलू अवश्य सफल है। अमित साहब धन्यवाद धन्यवाद दिनेश जी, एकदम एकदम दिनेश सर के कोरोना काल में भी बहुत बेर बीमार भेलखिन, बच्चा भी बीमार भेलखिन, तो हमरा से भी सलाह लेलखिन कि कर डॉक्टर साहब, और हमरा सबके तो बहुत पहले से सुशी सर मोटिवेशन देवे करे छलखिन कि कोरोना कुछ नहीं है। हम डॉक्टर भ के भी हुनका बात सुन के करा के हमारे गुरु छथिन तो बहुत ही कुछ बुझले छलखिन, बहुत ही कुछ पढ़ले छलखिन, तो हमू सब उ रास्ता में छलिए डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के सुनिए, ओकर सबके रिसर्च पेपर पढ़िए, तो वही कारण से हम सब भी न तो वैक्सीन ले लिए न तो पीसीआर टेस्ट कर लिए, अभी तो कुछ नहीं करे, और जहां तक ले सो कॉल्ड कोरोना हमरो भाग के निकल गया है सबके भेले, लेकिन जेकर इम्यूनिटी स्ट्रांग छे ओकरा पतो नहीं चले, और जेकर लो छे कोई हार्ट अटैक भाग के चल गए, कोई कुछ डर से मर गए, तो सब कुछ और सब रोगी के भी कोरोना भके मरले बोल के बड़का नंबर देखा गया संसार में, कैला एक स्कैम जेना है। देखियो अगर संसार के जे ऑर्गेनाइजेशन सब है वो कोनो चीज काम करत विश्व के रक्षा करत नहीं देखे थे तो वो सब केना टिकते, तो वो सब ई देखावे है कि हम सब संसार के व्यक्ति के लेल चिंतित छे, हम कहने छले 2 करोड़ आदमी मरते तो 2 करोड़ आदमी मर गए, तो वो सब वो टारगेट में छे। और एक बात अहाँ सब एकदम क्लियर भ जाओ कि अहाँ सब जो जे रोग के लेल अभी डरावे छे ओकर वैक्सीन के पैटर्न राइट 10-11 वर्ष पहले दर्ता भए गेल छै विश्व में, तब केना कि ई रोग अचानक एलै छ, तऽ ई रोग अचानक नै आयल गेल है, ई एकटा सिस्टम छै कि जब संसार में जनसंख्या बढ़े छै और जब केकरो बिजनेस बड़का खरबो खरबो में बिजनेस करे के होइ छै विश्व शक्ति सबके, तऽ ओ सब जे छै ई स्कैम सब करे छै, कहना कि अहाँ सब जना हम सब जना छोटका मोटका आदमी मरतै तऽ ई संसार के कुछो हो खराब होय वाला नहीं छे, कहला कि विश्व शक्ति जेकरा पास में खरबो खरब धन सम्पत्ति उ सब जेनाहितो बाज जाय छे, तो हमरा सब के बात छे के लेल हम सब की करबे, त हमरा सब के साथ में प्रकृति है, हमरा सब के साथ में अपन डॉक्टर या शरीर के भीतर उ है रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति, ओकरा बढ़ायल जाय, ओकरा केना बढ़ेबे, त ओकरा मासु भात खाके नहीं बढ़ा सके छे, ओकरा दाल भात तरकारी मते खाके नहीं बढ़ावे सके छे, अहां एहन एहन प्राकृतिक चीज खाओ कि प्रकृति अहाँ के लिए उत्पादन करे, फल फूल खाओ, साग सब्जी खाओ, और सब चीज नहीं खाओ, जेना सर कहो कि थारू जाति थारू संस्कृति व थारी जात जाति केना के लिए, तो हम सन्यासियो बनबे लेकिन घरों बार नहीं छोड़, तो सह से अहाँ जे खाई छे से नहीं खाओ नहीं कहो, लेकिन वही में अहाँ कम से कम फल फूल के ऐड करू, साग सब्जी के ऐड करू, अनावश्यक चीज नहीं खाओ, बाहरी पैकेट वाला दुनिया के चीज नहीं खाओ, अगर ऊ मात्र करे छे त अहाँ स्वस्थकर जीवन बिता सके, साथ साथ में अहाँ के अपन इम्यूनिटी के शक्ति भी बढ़ा सके छे, और ओकरा साथ साथ में अगर अहाँ के कहियो बुखार आबि जाए कहियो रुका फुकी लगे तो काढ़ा बना के पियल जाए, और सूर्य के पास कहे आकस के पत्ता कहे पारिजात के पत्ता कहे तुलसी अदुआ मरीच ई सब के बेसार सब मिसा के काढ़ा पियल जाए, कहना सब हम सब बहुत पहले करिए दादी माँ माँ ये सब हमारा सब बना के दे और हम सब स्वस्थ भी रहिए, तब हम सब आप कैला नहीं कर, जब विदेशी ये सब चीज के खोज खोज कर, देखियो हम कुछ दिन पहले यूट्यूब फेसबुक में एक वीडियो देख रहा छे वो लेडीज के नाम तो नहीं मालूम, लेकिन वो लेडीज के डॉक्टर साहब घोषणा कर दिल कि अब तोरा दिन ज्यादा नहीं हो 1-2 महीना जीवी जेना जिये जी ले, तो वो की कर लगे कि हम केना नहीं जीवे की भेले हमरा से, तो वो खोज बीन करे लगले पूरा जड़ी बूटी सबके किताब सब खोजे लगले सब पढ़े लगले कौन ये मेडिकल में दवाई कैला नहीं है ये औषधि रोग के, तो खोजे लगले तो में जड़ी बूटी सबसे सार सब भेटले, तो वो जड़ी बूटी सेवन करे लगले डायरेक्टली वो जड़ी बूटी के फ्रूट फॉर्म में वो झोल बना के सेवन करे लगले, और वो आज स्वस्थ है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है, तो वो बहुत ही किताब सब लेख लेने हैं जड़ी बूटी में, और सब जड़ी बूटी के मॉडर्नाइज तरीका से रस निकाल के एसेंस निकाल के ओकरा प्रयोग करे है और फ्री में उपचार भी करे है, हालांकि ओकरा जीवन दान दिल के प्रकृति और वो खुद दूसरा के मदद कर रहा है, और पैसा वो किताब से
कोनो स्पीच सेशन से कमा रहा है। तो हम सब भी एहन एक उदाहरण बनल जाए कि कल भविष्य में जाके अगर हम सब जीवन में एकोटा आदमी के जीवन अगर बता सकबे तो अपने आप के धन्य समझ समझे के पड़ते। तो वह सिलसिला में सुशील सर के हम कुछ प्रश्न पूछे ला चाहू कि हम सब के जे WLS रिसर्च टीम ये बहुत कार्यक्रम सब छे, सर कार्यक्रम किसानक आवाज शिक्षा शिप कार्यक्रम सब चला रहा छे, ऑनलाइन शिक्षा चला रहा छे और पब्लिक स्पीकिंग भी सिखा रहा छे। हम सब शुक्रवार के हमर सबके उम्र के आदमी सबके नेपाल में पब्लिक स्पीकिंग भी 7 बजे से 8:30 बजे सब सिखा रहा छे सर के मेंटरशिप में। तो ये सब सिखा के आपके भविष्य में केहन भविष्य रहते केना के हमर सबके बाल बच्चा और हम सब ये फ्यूचर में केना के कोनो और देश के पब्लिक से और देश के जनता से कंपटीशन कर पाए की फायदा होते इस सबसे सुशील सर से बुझेला चाहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर अमित सर पहिरो भी अई चीज के देखियो उपयोग कर पड़े कि अपनोर के संग में की छे अवेयरनेस एक बड़का चीज छे। अपना सबके जे डॉक्टर सब से आए या जे वैद्य सब छे उ कौन चीज करे में सक्षम छे और कौन चीज करे में सक्षम नहीं छे एकर लेखा जोखा के करते अहा रिपोर्ट पढ़वे कि रिजल्ट पढ़वे। अगर रिजल्ट देखे चीज़, रिजल्ट पढ़े चीज़, तो जे संभव से केना के संभव से केना के भेले और ओकरा केना निरंतरता दल जेते जे कल भी हमर बच्चा हमर नातिन वैसे दोसर पुछता जेते हमर अपने नहीं संसार में जते जेते तो वही सब तक नीक चीज जे छे उ अहा के राखल धरल रहते तो वो सब प्रयोग करते। एकर खातिर अपनोर के जे एक रास्ता चुनल गेले जकड़ा ज्ञान के रास्ता कहे छे, चेतना के रास्ता कहे छे, ध्यान के रास्ता कहे छे, तो वही रास्ता में चल के देखियो ये रास्ता ये थारू लैंग्वेज कहे छे, थारू समाज कहे छे, हम एले एमे गर्व करे छे क्याकि ये ज्ञान के रास्ता छी, ये ध्यान के रास्ता छी, ये चेतना के रास्ता छी। समय परिस्थिति अनुरूप की बोले तो ए टाइम में आपके लोग सब अपने हिसाब से चला लागले जे मन लागले से कर लागले और एक समूह उच्छृंखल समूह बना के जे मन लगते से करबे यहाँ ची हमर थेर बाद यहाँ हमर समाज ची वो नहीं ची वास्तव में कहूँ तो बुद्ध के रास्ता के वैज्ञानिक आइंस्टाइन भी सही मानने से जे बुद्ध जे कहे से बुद्ध कथी कहे से ये बात बड़ा आश्चर्य के बात से और बड़ा मजा के बात से बहुत गोरे कहा हम बुद्धिस्ट चाहिए बुद्धिस्ट अले चाहिए क्या कि बुद्धिस्ट कुछ नहीं माने लिखे माइंड के जीवन सत्यानाश भै जाए पत्ता लगा के जीवन निक हो अहा के लागी कौन निक हेत अहा पत्ता लगे पड़त अहा हमर मान्यता अनुसार मान लिया हमारा सर्दी नहीं लागे हम एहने जा सकती जाड़ में अहू जब एहने जाड़ में ठिठरा के हार्ट अटैक भाई कुछ भाई तो तुम्हें तो गलती को कर बोले यहाँ विश्व ची यहाँ समाज ची सब कोई लागी फरक से कोई मजाक के मोस बात खाचे ओकरा एकदम से हेल्दी से कोनो समस्या नहीं छे बनिया भाई लेकिन जकड़ा समस्या छे बहुत लोग के समस्या भाई छे वो की बुझे छे फन्ना के शरीर निक छे मोसे खा के हमरो शरीर मोसे खा के निक हेते फन्ना के निक भले तोरो नहीं निक हेते अपन पता लगे पड़ते अपने से जे हमरा कौन चीज नहीं कहते और एकरे चेतना कहे एकरे ध्यान कहे एकरे लीडरशिप कहे तो हमर एकटा एम छे जे सब कोई लीडर बने हमर पछा नहीं आओ हमरा नहीं चाहिए हमरा पोछ लगवा लोग हमरा नहीं चाहिए हमरा लीडर चाहिए हम साथी बनाय ले चाहे छे हम पोछ लगवा बनाय ले नहीं चाहे छे ककरो हम चाहे छे अपन के मिल के अगर लीड करबे तो इस संसार में कोनो एहन समस्या नहीं छे जकर समाधान आप लोग के नहीं निकाल सके छे समस्या नाम के चीज हम देखबे न करी छे कते करे के चाहे फाइनेंशियल फ्रीडम हेबक चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हेबक चाहिए या ना हेबक चाहिए ना हेबक चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के भी डेफिनेशन हम देखे छे लोग सब अलग अलग लगेने छे अहां के पैसा कोई जमा कर दे
अहाँ ओकरा दियो महीने महीना दियो ओकरा कहते कि अहाँ के जीवन बीमा कर देव। देखियो एकटा से फिरता है वाला जीवन बीमा है, एकटा दै छै जे महीने महीना अहाँ पैसा राखे छे, बीच में कहियो चल गेलिए ऊपर तो पैसा अहाँ के परिवार के भेट जाए, कुछ हद तक हमरा सही लागे। लेकिन कहिए कि अहाँ के अहाँ महीने महीना हमरा पैसा दियो, महीने महीना पैसा दियो, जब अहाँ 2 लाख टका जमा दे देवे हमरा तो अहाँ के 4 लाख टका फिरता दे। अहाँ 2 लाख टका ककरो दिलिये 20 बरिस लगा के, वो अहाँ के 20 बरिस के बाद 4 लाख टका दे। वह 2 लाख टका अहाँ कोनो सामान किन लिया, सोन किन लिया, जमीन किन लिया, घर किन लिया, और देखियो 20 बरिस के बाद ओकर दाम की है। वो अहाँ के 1 लाख 2 लाख के अहाँ के 4 लाख दात, वो 2 लाख के 20 लाख बना दात वह पैसा अहाँ के। तो अहाँ के वो कौन किस्म के फाइनेंशियल फ्रीडम भेटल, ये चीज बुझे पड़त है के। तो ये चेतना कतेक साथी जे कोई अहाँ अगर कर रहल छे इंश्योरेंस में छे तो ओकर के लागत है जी कौन चीज बजे लगले हो, लेकिन अपनोर के चेतना जगावे पड़त, नहीं तो की करबे अपनोर के लोक के अनुसार अपन फ्रीडम खोजबे। जना मान लिया हाँ कोनो चीज आय के किन लिए और वो चीज रख दिलिये सोन, तो ओकर तो पैसा बढ़ल, वो तो 5 से जाके जब खनते पैसा के वैल्यू कम हेतु तो अहाँ के बेसी पैसा आयल वैसे, और एक इन्फ्लेशन कहे से अर्थशास्त्र में एक इन्फ्लेशन कहे से। इन्फ्लेशन प्रत्येक साल बढ़ते जा रहा है, नेपाल के इन्फ्लेशन 10% से ऊपर से, एक मतलब कोनो भी चीज के दाम 10% से बेसी बढ़ रहा है। आय के अहाँ एक कोनो चीज किने जाइए 100 टका के, वह चीज आन साल किने जाइए तो 110 टका ओकर दाम भए गेल रहै छै। तो अगर अहाँ के कोई पैसा दिए आ एकर ककरो राखे लेते छी अहाँ 100 टका आ महीना दे की कहै छै साल भर के बाद अहाँ के ओ दिए कतेक दिए तो 100 टका फिरता दिए, तो अहाँ के 100 टका नहीं देलक फिरता, अहाँ के 90 टका फिरता देलक, क्योंकि अहाँ के पैसा के वैल्यू नहीं भेल। तो इन्फ्लेशन के चलते भी बहुत चीज सब भए रहल छै जाहिमे कि ध्यान दै लए पड़लै अपनों के ध्याने नहि छै। आप लोग पैसा बैंक में रख दे छी और देखियो प्रचार भी केन छे बैंक के प्रचार करे छे, घर में राखे नासिन छ चोरिन छ बैंक में राख दिनुस, और बैंक में अहाँ ओकरा दे दियो 2 लाख टका 20 साल के बाद अहाँ के 2 लाख टका दे, वही 2 लाख टका के जमीन ले लिया 20 साल के बाद अहाँ के 2 करोड़ भ जाए। हम ई कथी कहलू, हम एक उदाहरण दे छी, हमारे एक फुलवार देखे देवे इसना सीतापुर बाजार से कनौली से WLS के हम लोग के ध्यान केंद्र बनाए के वैसा विचार कर रहा छी, ग्रीन गार्डन से वैसा जेबे वे तक पास करबे त 2 लाख टका लगा के हम लोग को फुलवार ने रही, फुलवार ने रहे तक नहीं होने रहे, बाबा ओकरा फुलवार बनाल के बहुत मेहनत कल के। उ अगर हम 2 लाख टका बैंक में रखने रहती तो मान लिया हम 25 साल के बाद वो 2 लाख हमरा कते कहती, दोबर हेती 5 साल में 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64 लाख। पूछ लिया वैसना कठा के केना बिकी छे, कठे के अहाँ के 60 लाख 70 लाख जमीन लोग सब बेच रहल छे। तो ऐसे की बुझे छे आप लोग के जब पैसा सस्ता भए गेल, देखियो वही टाइम में अगर हम पैसे रखने रहतीन तो वो पैसा सस्ते भाग निकलती, लेकिन ओकरा हम की कलिए चेंज क्या दिलिए, वो पैसा के हम कोनो एकटा चीज किन ले लिए, या घर किन ले लिए, घरेरी किन ले लिए, जमीन किन ले लिए, सोन किन ले लिए, कुछो किन ले लिए, तो ओकर भाव बढ़ते 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 एतेक भए गेले जे अखनका पैसा संगे ओकर तुलना हेतै। आप ई कहबे जे एकदम से देश में खूब उन्नति भले खूब प्रगति भले तब हमर जमीन के भाव बढ़ले, से कुछो नहीं छे। ये नेता सब जे छे ना अखनी देश में, अब नेतो के कनिया गड़िया लिए दिए, ये नेता सब जे छे ये सब पैसा के सत्यानाश कर दलके, पैसा के एतेक सत्यानाश कलके, एतेक कर्जा लेलके, अगल बगल दुनिया भर में डॉलर के सत्यानाश भले,
इंडियन रुपीज के सत्यानाश भले चाइनीज पैसा सत्यानाश एतेक ने सत्यानाश कल के एतेक ने पैसा छापल के कि ओकर वैल्यू घटत 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 20 गुना घट गेले इन्फ्लेशन 20 गुना ने 2 लाख के अगर बेचे छी त कते घटे तते गुना घटल आ के सही गुना घट गेल 1000 गुना घट गेल आहा के पैसा आ ई घटते जा हाँ रोक नहीं सके ये चीज के तो कौन चीज करवे आप लोग के एहन चीज कर पड़े जे आप लोग के पैसा घटे नहीं बढ़े कमाई ले सब कोई जाने छी देखियो आप लोग के लेकिन जे पैसा कमाई छी ओकरा लगाएबे कते ओकरा देबे कते जे वो बढ़ते बैंक में धा दे छी के जे हमर पैसा बैंक में छी अहां के दिन दिन घट रहल या छु पैसा ए बात के ध्यान कते के छी ऐ चीज में आप नोर के आई अगर ध्यान नहीं दीजिए तो आप नोर के जेबी से केना पॉकेट मारी है छे आप नोर के की लागे है जे आप नोर के नेता सब जे ओते तलब खाइ छे ओकर के जे ओते कर रहल छे सब उ सब देश में विकास करके खा रहल छे ई करके खा कुछ नहीं कर रहल छे आप नोर के पैसा से ओकर के पेट भरे छे अहां पैसा दे देलिए बैंक में वो पैसा के जे ब्याज जे चाहिए से नहीं आबे यहां के ये वो करिए 2% 4% आ गई जबकि इन्फ्लेशन अहाँ के 10% से बेसी है कनिए अहाँ अगर इकोनॉमिक्स जाने चाहिए कनिए अहाँ फाइनेंस जाने चाहिए तो हम की बात बज रहा है इससे समझ में याद और ये जरूरी है कि आप नोड के काम करना ही जरूरी है पैसा कमाना ही जरूरी है वो से जरूरी वो पैसा के कते लगाए से भी जानना जरूरी है तो ई क्वेश्चन जे क्वेश्चन जे अहाँ के लिए जे वास्तव में आप लोग के जे ई खोल लिए कहू या शुरू के लिए कहू तो ऐ में जतेक जे आदमी सब अखनी छै अपना सब के साथे वही सब में जे चेतना चल लेते ना तो ओकरो के कोई ने रोक सके छै आगा बढ़े के लागी चेतना के आवश्यकता छै और वह जगावे के लागी आप लोग के ऐसा छै डॉक्टर धन्यवाद सर के एकदम और बहुत निक बात सब कहल सब के जानकारी मिलना भी बहुत जरूरी है कहे कि मानी सब विशेष करके की भ्रम में पड़ जाए कि हम इंश्योरेंस करबे तो हमारा फ्यूचर में सिक्योरिटी होते हम पैसा रखबे बैंक में तो सिक्योरिटी रहते से सब बिल्कुल ही नहीं रहे थे कहे कि अही के पैसा से कमा के अहा के इंश्योरेंस वाला द रहा है अहाँ के पैसा वो कतौ शेयर में कतौ बैंक कतौ कतौ वो लगानी लगावे छै जगह में लगावे छै रियल एस्टेट में लगावे छै कहले कि हमू इंश्योरेंस करे के सोच वाला आदमी ट्रेनिंग ले आदमी लेकिन एकटा करला के बाद ई सब जब बुझते गेलिए सुनते गेलिए तो हमरा पता चललै कि इंश्योरेंस के पैसा देना मतलब बेवकूफ बनना और हमर पैसा भी डूबल या सब इंश्योरेंस में और दोसरा बैंक में तो वास्तव में हम पैसे नहीं रखे छै जब हमरा ट्रांसफर करे के रहे कतौ तब मत रखे छै अगर अहाँ के पास में पैसा या 2 लाख 4 लाख 5 लाख ओकरा एसेट्स में बदल जाए सोना किनल जाए आई देखियो हमर जहां तक हमरा याद है शायद हमरा लगे 20,000 या 30,000 समथिंग हमर जते याददाश्त था बच्चा के वही टाइम के हम सोना के भाव याद करे छी 20-30,000 मोटा मोटी शायद वही टाइम के बात करे छी आई देखियो 1 लाख रुपया इन एन एवरेज डे 90,000 95,000 1 लाख ई एवरेज में पहुंच गए सोना के वही टाइम में अगर कोई किन्ने छले और आए है तो देखो ओकर कते संपत्ति भए गेल जेना दाजू कहलखिन कि हम 2 लाख के जगह किनलु वो आए करोड़ों के तो यह सब है कि पैसा के संपत्ति में एसेट्स में परिवर्तन करा जाए वो एसेट्स आके बैंक के तुलने न करू इंश्योरेंस के तुलने न करू वैसे कई गुना ज्यादा आके आमदनी दे प्रमाणित है देखियो आज के दिन में टेस्ला के बात करबे तो टेस्ला के शेयर किने के लिए आदमी पहले डरावे लेकिन जे आदमी डूबते तो डूबते कुछ होते तो होते टेस्ला में लगा लेल के शेयर वो आए 1000 पति छले तो आए 1 अरब पति भ गेले आ गूगल खोल के देख सकै छी तो सह बात छै कि हम सब शेयर में लगानी करल जाए डीमैट खाता खोलल जाए शेयर में लगानी करल जाए ओय में कोनो जुआ जैसे रिस्क भी नहीं सही अहाँ 1,000 लगेबे तो अहाँ के पड़त तो शेयर पड़ गया नहीं तो अहाँ के अकाउंट में पैसा फिरता वो पैसा बढ़ जाए
तो सेकेंडरी मार्केट में जाओ और शेयर सब किनो सूझबूझ से, सब कुछ मार्केटिंग इन्वेस्टिगेशन करके रिसर्च करके, एनाइते हवा तल में नहीं, कोनो अंधाधुंध नहीं। लेकिन अगर अहा के होते आइडिया नहीं है तो साधारणतः आईपीओ में शेयर किनो और वो 1-2 हजार इन्वेस्ट करबे तो 50-60 हजार हो जाए, कोनो कोनो शेयर तो 1,000-1,500 हजार भ गेल। तो ई भी एत के परसेंटेज वैल्यू कोनो बैंक कोनो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देत, अहा के पैसा के केना सदुपयोग करे के है यो सब हम सब सिखाबे छी। अगर अहा के बिजनेस में कोनो प्रॉब्लम या अहा के कंपनी में कोनो प्रॉब्लम या अहा के लाइफ में आर्थिक तंत्र में कोनो उतार चढ़ाव या बढ़ नहीं रहा है तो ओहु विषय में अहा कंसल्ट ले सके छी हमरा सब के साथ में लाइफ स्ट्रेटजी लाइफ कोच सुशील चौधरी सर छथिन डैलस टेक्सास से, वो एगो कंसल्टेंट छथिन इस सब विषय में। और अहा के स्वास्थ्य संबंधी कोनो समस्या रहत हमरा हमरा से डायरेक्ट कंसल्ट कर सके छी और ओमें सुशील सर भी हेल्प करते थे प्राकृतिक रूप से। शिक्षा क्षेत्र में किसान के समस्या अगर कुछ रहल तो दिनेश सर भी ओमें कुछ अहा के उपाय से बतावे बता सके छी। तो अहा सब के अगर कोनो समस्या या तो फेसबुक लाइव से अहा कमेंट कर सके छी, हमर सब के थारू लैंग्वेज पेज में जाके हमरा सबसे जुड़ सके छी। आज के कार्यक्रम एकदम निक लागल हमरा कहला कि था ई अपन सबके मातृभाषा में कार्यक्रम करना शायद पहला या दूसरा होते हमर, और हम एकदम अच्छा महसूस कर रहा छी कि एगो गर्व भी महसूस कर रहा छी कि देखो हम सब संसार के दौड़ धूप में एते आगे भाग गेल छी कि अपन भाषा संस्कृति ई सब भूल रहल छी। तो अगर यह कार्यक्रम के बहाना से अगर हम सब अपन भाषा के संस्कृति के जगह न करेला जानबे तो कम से कम भविष्य में अपन संतति के ई सब चीज देकर देखल जा सकै छै। तो ओही के लेल आज के कार्यक्रम के समय भी लगभग देख रहल छी अंत्य तरफ जा चुकले है। तो कार्यक्रम के समराइज करके और आवे वाला दिन में ई सब कार्यक्रम के केना के ल जाय जते और कैसन कैसन प्लानिंग है कुछ बात कहते कार्यक्रम के अंत कर दे के लेल सुशील सर के स्वागत करत। हम कार्यक्रम संचालक डॉक्टर अमित सानी आहां सबके मास से विदा लेला चालू। नमस्कार प्रणाम। देखियो अमित जी धन्यवाद, बहुत बढ़िया से हां एकदम से कार्यक्रम समापन के लिए है। अंत में यहां कहले चाहबे सब कोई कि लीडर बनो, सब गोरे चाहत अहां के प्रयोग करेले, सब गोरे चाहत अहां से फायदा उठाएले, सब गोरे चाहत अहां के पछुआ बनेले, अहां पछुआ नहीं अगुआ बनू। ई जीवन जे भेटल यस ने ई बहुत अमूल्य छे, एकरा दोसर के पाछू पाछू लग के अहां खेर कर सके छिए। खुद से आगा बढ़ू और पता लगाबू अहां के लागी कौन चीज निक छे। कोई कहत रे भाई ई चीज क्या ले, कोई कहत वो चीज क्या ले। चिरे के कहबे पानी में हेल, पानी के नीचा में जो ओकरा गारो हेते, लेकिन माछ आराम से जते। तो अहा अपन के चिरै बनेबे तो पानी दिसर नहीं ताकू, अगर मछली बने छे तो चिरै के नहीं देखू। सब चीज सब कोई नहीं छे, अहा में हमर में सब में एकटा विशेष खूबी छे देखियो, और ई खूबी के उजागर करू, अपन के मजबूत करू। अहा के जतेक चीज छे सब चीज खराब, अहा के भाषो खराब, अहा के चेहरो खराब, अहा के लत्तो कपड़ो खराब, अहा के खाना खराब, अहा के ई खराब, अहा के ऊ खराब, सब चीज लोग अहा के कहत कथी ले कहत, कियाकि ओकरा आपन प्रमोशन करे के छे। और अहा के गलत देखाते अपन के सही देखाते तब अहा ओकर पछा पछा जेबे, जब ओकर ओकर पछा पछा जेबे त उन्नति ककर हेते, ओकर हेते अहा के नहीं हेते। ए चीज के आप लोग के बुझे के छे करे के छे। और तब अहां सब इहो कह सके छी जे तू त अपने भाई अमेरिका में छ ओते से बात करे छ, त ई चीज बुझे के लागी भी एक अनायक आदमी के रह पड़े छे, कतो देख पड़े छे जे भया की रह छे। हमरा यहां ने समझ में आवे छले हम पैसा लगाए त जीवन में सुरक्षा ई चीज हेते केना के बाजबे केना के, से चीज के लागी ए ठाम एली और ओकर प्रयोग कर रहल छी। अगर हम यह बात कोरोना संबंधी गप नेपाल में बैठे करती तो हमरा कखनी ल जाके कथी कर देती है, ठेकान दी। क्या आप लोग नेता के दीजिए
जे तू हमर कल्याण कर उद्धार कर उ सब की करे छे पिजरा भीतर में धा दे छे सुगा बना दे छे सब सुगा सीताराम को नहीं कहे छे देखियो की करे छे पहले उ सब पकड़े छे पिजरा में दे छे तकर बाद खियाई छे पियाई छे पोसे छे अहां के पिजरा से निकल दे तब ने अहां तो पिजरे भीतर भीतर में रहबे ने तो उकड़े जखा भ जाबे तब अहां की करे लागे छे सीताराम को कह लगे छे तो अखनी सीताराम कहो नहीं बनु भाई अपन ज्ञान के खोलू ध्यान करो हम लोग ध्यान के कार्यक्रम भी कर रहे छी बृहस्पति दर्शन के अपदीप कह के हम कोनो धर्म के प्रचार नहीं करी छी हम कभी बुद्ध धर्म माने थे दे लिखते बुद्ध धर्म के एकटा वोट बढ़ते नहीं हम ककरो वोट देले नहीं चाहे छी हमर वोट जीरो क्योंकि धर्म के दिव्या बारने से पुलटी बारने से दिया बारने से कुछ नहीं है वाला छे मन के भीतर के दिया बार जे वास्तव में अहां की कर रहल छी अहां के रास्ता मानवता के तरफ से कि मानवता के खिलाफ छे अहां जे चीज कर रहल छी वैसे समाज के उन्नति भ रहल छे कि समाज में विकृति फैल रहल छे आई के अहां के बच्चा के जे चीज देबक चाहिए अहां से चीज दे रहल छी कि वही चीज से वंचित कर रहल छी एकटा सामान्य सीप दे के खातिर बच्चा के हाथ में अहां लावे खातिर ओकरा पिजरा के सुगा नहीं बनो एकटा चीज जानते वो एकटा जान लेल के पैसा कमाई लेल के लेकिन वो पैसा के कथी के लागी प्रयोग करते ये चीज जानना जरूरी छे तो लीडर बनू ये लीडरशिप के लागी ये कार्यक्रम हम लोग के कर रहल छी चटसार जीवन के आधार जैमे अहां सब लीडरशिप सीखे छे बाजे ले सीखे छे बोलने को पीठो बिके छे कहे छे ना नहीं बोलने को पीठो की कुछ होने बिके छे कहे छे चामलो ने बिके छे तो अपनो के बाजे ले जाना पड़त बाजे ले सीखा पड़त कबे से नहीं बाज के कति हेते अगर नहीं बाजबे तो अपन महत्व स्थापित नहीं कर सकबे कतो डिबेट हेते अपन पॉइंट नहीं रख सकबे अहां के नीचा देखा दत दोसर अहां से ऊपर भेजत किताब लिख पड़त अखनी किया कि किताब में जे लिखल छे ना तकरे सत्य माने छे वही अनुसार चल पड़त अखनी तो किताब लिखे के सजिलो तरीका भए गेल छे पहले रहे अहां के कलम चाही कागज चाही तकरा प्रकाशन करे के लागी बड़का बड़का छापा खाना के पसा दौड़े पड़े अखनी फोन खोल दे छिए देखियो गप करे छिए किताब छपा गेले हमर के एक घंटा की सवा घंटा की किताब अभी किताब कहियो नहीं कोई मेटा सकते हमार नायत पनायत छरनायत पुकनायत कहीं ना अपना सब के कत्ता देखो जनरेशन से जनरेशन लोग सभी वीडियो देखते रहते हैं अपना सब के इतने आसान से अखनी किताब लिखना है भाई लिखो लिखे जाओ पता लगाओ चीज सब बहुत चीज से संसार में ओकरा दुनिया के आगाम लाबो ककरो कहने से अहा अगर सीता राम को बन जाए छे एक सुगा बन जाए छे पिजरा में आके खाई ले दिए तलब दिए ते दुआरे ओकर भजन गावे छे तो ई बात अहा के लागी बिल्कुल नहीं निक छे अहा के संतति के लागी अहा के समाज के लागी तो और बिल्कुले हानिकारक छे ऐसे निकला पड़त और यह चेतना यह जागृति के लागी हम लोग के समूह में आओ जोड़ू हम लोग के कोनो आतंक सृजना नहीं करे चाहे छे हम लोग कोनो कहबे जे खराब चीज संसार में नहीं लावे चाहे छे चाहे छे सब कोई के स्वतंत्रता भेटे सब कोई अपन हिसाब से जे चीज सही छे ओकरा सही मान के चले कोनो विध्वंस नहीं मचावे समाज में एकटा भाईचारा स्थापित हेवे रही खातिर अपना सब के इसना आबित रहबे एते कहत आइ के हम लोग के कार्यक्रम से विदा ले छी अहां सब आबू हम लोग के कार्यक्रम में सहभागी हेबू अपन बात विचार और जतेक चीज अहां के साथे छे संसार में शेयर करू एकटा किताब छोड़ के जाओ किताब छप के जाओ पैसा नहीं लागे छे नमस्ते।